Actually, I filed this application initially in detail, but later on I summarized it in order to save the precious time of this honorable court, and by filing another CMA 3968. या दोनों हम सामने रखें या एक सामने रखें? सर दोनों 3968 एंड 3662. 3968 इधर नहीं, उसमें मैंने समराइज किया है वो पहली वाली जो मैंने डिटेल में रिपोर्ट दी थी, सारी प्रपोजल्स जितने भी थे तो उनको शॉर्ट करके ना समराइज करके. ताज्जुब इस बात पे हो रहा है लॉर्डशिप कि इतने माशाल्लाह वकील हैं मगर एक पेज पे नहीं आ सकते हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए भी आ जाएंगे सर? नहीं, वही मैं ताज्जुब हो रहा था. आई वाज होपिंग कि एक दो आ जाएंगी बस, मगर हर आज शख्स कह रहा है कि अपनी बात करना है. जी ये बताएं, मैं ये बताएं, ये प्रपोजल्स रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी टू माय कमांड. अगर निकाले ना ये बताएं, अगर जनाब ये स्क्रीन अगर टीवी की लाइव कवरेज बंद करा दे पाकिस्तान बार काउंसिल पे बिहार का आई एम अलोंग विद माय बस. सुन लेना जी, आप ये बताइए, यू आर द एपेक्स बॉडी ऑफ द लॉयर्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए हमेशा आप खड़े हुए हैं, ठीक है ना? आप खड़े हुए प्रॉबेबली रेस्टोरेशन वी लेट यू डाउन, लेकिन आप लोग हमेशा खड़े हुए हैं. अब सिर्फ जो माय लॉर्ड ने भी पूछा, आपके छह मेंबरान ने अलग वो दिया है, क्या बेहतर नहीं होता कि आप एक ही मीटिंग करके पाकिस्तान बार काउंसिल और उनके इनकॉर्पोरेट कर देते? मैं अर्ज कर दूं, अगर जनाब ये अलाउ करेंगे, आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर द सिक्स मेंबर्स, फिर ऑर्गेनाइजेशंस की कोई जरूरत नहीं, कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं. कल को अदारे में कोई और आदमी ये कहेगा कि मेरी नहीं सुनी गई, दूसरे की नहीं सुनी. अल्टीमेटली वन हैज टू हेड द इंस्टीट्यूशन एंड द वाइस चेयरमैन इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द होल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान. सेकेंडली इफ द इंडिविजुअल्स आर अलाउड, वी स्टैंड बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड वी स्टैंड बाय द सिक्स जजेस हु हैव मेड कंप्लेंट. देयर मस्ट बी इन्वेस्टिगेशन, देयर मस्ट बी एक्शन बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, बट योर लॉर्डशिप मे ग्रेशियसली अप्रिशिएट, जब हम इंडिविजुअल्स को ये अलाउ करेंगे तो दैट वुड क्रिएट एनार्की. मैं बताइए, मैंने ये नहीं सजेस्ट किया आपको कि इंडिविजुअल को करें. पाकिस्तान बार काउंसिल का एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में वो कह रहे हैं कि हम मेंबर्स हैं ऑफ द जो कंट्रोलिंग बॉडी है आईलो. तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा था बजाय इसके कि वो अलग अलग करते, आप अगर एक ही मीटिंग करते उस गवर्निंग बॉडी की, अगर उनकी ओपिनियन जो भी थी, बिकॉज दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हमारी मीटिंग हुई. सुन तो ले, अपोजिशन किसी भी जमहूरी इदारे में, पार्लियामेंट में प्रोबेबली द अपोजिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द गवर्नमेंट. तो अगर आप उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते बजाय इसके कि वो अलग अलग दें, तो वो भी आप ही का हिस्सा है. मैं आपकी बात को अब मैं एक मिनट लूंगा. सिर्फ इसी एजेंडे पे मीटिंग हुई और यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ पूरी की पूरी काउंसिल का, यूनानिमस 5 तारीख को यूनानिमस रेजोल्यूशन. देर वाज नो डिसेंट, नीचे ऊपर कर करवा के हमने जो यूनानिमिटी के साथ जिस जिसको इतराज था वो रेजोल्यूशन दिया, और वही रेजोल्यूशन ही सबमिशन है. देर आफ्टर मेरी जो गुजारिश है, जब अनफॉर्चुनेट फिनोमेना, जब अब टीवी लगा हुआ है पूरे मुल्क में ये कवरेज है और उसके बाद सिर्फ टिकर ही हमने चलाने हैं, तो फिर सिचुएशन वुड बी अदरवाइज. कोई डिफरेंस है आपके उनमें? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि यूनानिमस पूरे हाउस ने, पूरे पाकिस्तान बार काउंसिल ने, हम जब सबमिशन की है, उन्होंने सबमिट किया है उनके जो प्रपोजल में, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. मैंने इसलिए ये अर्ज किया, हमारे सारे का सारा पूरे हाउस ने, जैसे जनाब ने फरमाया, मीटिंग की, मीटिंग के बाद सारी बहस हुई, हमने रेजोल्यूशन के लिए सारे इन दोस्तों को जो अपोजिशन में थे, फारूक नाइक साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव, वाइस चेयरमैन रियाजत अली साहब, अगर डिफरेंस नहीं पता अच्छी बात. जी जी, नहीं, लेकिन मैं जो अर्ज करने लगा, अब ये कल्चर हम जो डेवलप करने जा रहे हैं कि एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, आई मस्ट इंटरप्ट,
देयर इज नो सच कल्चर एंड आई विल नॉट इनकरेज दिस कल्चर. I believe in democracy. Please, you. Whoever gets elected, you may not agree with anything a person says. Milo. That doesn't mean we have to hear everybody. That's why I've given priority to the organizations. But if anybody else says something good, if they just want 2 minutes of time on camera, that's another thing. That's why we have started with the first premier body, which is the Pakistan Bar Council. We'll follow it up with Supreme Court Bar Association. So let's start with this thing, otherwise we just debate. Even the minute you have a body, you respect it. You win the elections today, you respect it. You win the election tomorrow, you will be minority. Definitely, as my lord has pointed out the query, that's why I elaborated. We were all. And all the more so, 1 second please. And all the more so, when the destination is the same. जब आपका हदफ एक है या तो बोले मेरा हदफ नहीं है. तो जब आप हदफ एक है, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, कोई सियासी बात नहीं है, भाई एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात है, यकीनन आप दोनों तरफ एक ही तरफ खड़े होंगे. तो बिस्मिल्लाह कीजिए, विल हियर यू लॉर्डशिप जी. सर दिस इज CMA 3968. एज आई वॉज called upon by this honorable court to provide the assistance or proposals on behalf of Pakistan Bar Council. I confined earlier application in 4 paragraphs. So may I read the first paragraph of the application is that I have focused, sir, lordship, I have focused the first para of the letter. First of all, may I read the first para of the letter, subject letter. The honorable judges says that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executives, including operators of the intelligence agencies that seek to interfere with discharge of his/her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty of report any such actions that come to his/her attention to relation to colleagues and all members of the courts that the higher courts supervises. This was the first paragraph of the letter. In this regard, my humble submission is that through this paragraph, the honorable judges seeks guidance from Supreme Judicial Council with regard to duty of a judge to respect and respond to actions on the part of members of the executives, including operatives of intelligence agencies. Therefore, my humble submission is that this segment of the letter may be referred to the Supreme Judicial Council in order to provide guidance and some appropriate amendments or insertions may be made to the code of conduct for judges regarding their interactions with executives in such circumstances. Now, my lord, paragraph 6 of the letter is most important. The paragraph 6 of the letter addresses allegations of interference in the judicial work of judges, harassment and exertion of pressure. It recounts an incident involving the abduction of the brother-in-law of a judge of Islamabad High Court by individuals claiming officials with the ISI. Additionally, a complaint was lodged by an additional district and session judge who reported threats and the throwing of crackers into his residence. Furthermore, it was alleged that during routine maintenance, hidden cameras with SIM cards were discovered in the official residence of an Islamabad High Court judge, capturing audio and video recordings. The USPs retracted from these cameras contained private recording of the judge and their family, constituting rather serious accusation. This is very serious. These are the very serious allegations leveled by the honorable judges. These allegations fall within the scope of criminal offenses. According to principles of criminal laws, providing the date, time, place and manner of the offense is basic requirement to establish an offense.
However, the aforementioned accusation lacks specific details such as names, individuals involved, CCTV footage of the court premises and outstrips of the residence of the judges or any other tangible evidence. Therefore, my humble submission is that in order to thoroughly investigate these allegations and to fix responsibility to the delinquents for arriving at just and proper conclusion of the matter, the Pakistan Bar Council proposes the formation of a judicial commission, may be comprised of one or more sitting judges. As such, factual controversy cannot be inquired, investigated under Article 184(3) of the Constitution. This commission may be allocated a specific time frame to conduct a thorough inquiry, and a consequence whereof the delinquent whosoever may be prosecuted under the criminal law. Nevertheless, judges of the Honorable High Courts and subordinate courts possesses the authority to prosecute any individuals who interferes with the judicial work under Section 228 of Pakistan Penal Code and Contempt of Court Act 2012. It is imperative to establish a precedent for prosecuting such individuals to serve as a deterrent within society and uphold the sanctity of the judicial process. In this regard, the judges throughout the country may be encouraged to exercise boldly such powers of the laws available to them. So, in this regard, if I may be allowed, may I read the Section 228 Pakistan Penal Code, which is very much clear, Lordship. Intentional insult or interruption to a public servant sitting in judicial proceeding. Whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to any public servant while such public servant is sitting at any stage of a judicial proceeding shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both. The procedure for this section has been provided in Section 480 and 482 CRPC. So, with the permission of this Honorable